डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले मैंने रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ लेक्चर एक्सप्लेन किया था, जिसमें वीडियो नंबर 1 ये था कि आप रूल टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने कंप्लीट 8 रूल समझाया था विद एग्जांपल। सेकंड था असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, रूल नंबर 3 ये था बच्चों, लेक्चर नंबर 3, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के 5 टाइप्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 ये एक्सप्लेन किया था इसमें कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 मेथड है, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसके कुछ मैं आपको रूल्स लिखा किया जाता सिंपल लैंग्वेज में, और आज का लेक्चर रहेगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो इस लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे डिवाइड करते, रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर बाद में उस हाफ रिएक्शन को कैसा बैलेंस करना, जिसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और उसी में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते, ठीक है, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन का हम एडिशन करते। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ बेसिक कंडीशन समझाता मैं आपको, याद रखना आपने, अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मींस अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम हमेशा कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा Na implies Na positive plus 1 इलेक्ट्रॉन, मींस यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा कहां पर लिखेंगे, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, याद रखना आपने ऑक्सीडेशन के लिए। और रिडक्शन के लिए कंडीशन ये रहती बच्चों कि यहां पर था समझ आप Cl, ठीक है, क्लोरीन, इस पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका कन्वर्शन हुआ Cl नेगेटिव में, तो यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रिडक्शन। ठीक है ना, तो इस पर से आपका कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो हमेशा हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, और रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हम कैसा बैलेंस करना, या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसा बैलेंस करना। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है, पहले आप रूल समझ लो। इसमें रूल नंबर 1 है रूल्स, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। पहले मैं सारे रूल लिखा के देता आपको बोर्ड पर। रूल नंबर 2 ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थर्ड है, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन। पहले मैं आपको 3 रूल समझा देता, फिर और आगे समझा। देखो, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। सबसे पहले काम यह रहेगा आपका, क्या अगर इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन, तो सबसे पहले आप उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना। ठीक है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। ठीक है, और रूल नंबर 2 ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन, इसमें एलिमेंट्स को पहचानना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा और कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा। अगर समझ लो आप ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस यहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। अगर रिएक्शन में एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, याद रखना, ठीक है। दो रूल विथ एग्जांपल आपको बहुत बेस्ट समझ में आ जाएगा, अभी तो ये थ्योरी है, एप्लीकेशन बेस बाकी है। थर्ड रूल ये है कि डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन को डिवाइड करना है, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, ठीक है, इनटू टू हाफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये टू हाफ इक्वेशन कौन कौन से देख लो, इसमें फर्स्ट हाफ इक्वेशन रहेगा बच्चों ऑक्सीडेशन, फर्स्ट हाफ इक्वेशन रहेगा ऑक्सीडेशन, और सेकंड हाफ इक्वेशन है रिडक्शन, ठीक है ना। डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन, ठीक है, मतलब इक्वेशन को हाफ करना है क्या में, दो हाफ इक्वेशन में। तो दो हाफ इक्वेशन में कैसे डिवाइड करेंगे हम, एक साइड में रहेगा ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, एक साइड में रहेगा ऑक्सीडेशन हाफ और सेकंड साइड में क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ, ठीक है ना। तो ये रूल आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट और रूल नंबर फोर्थ ये है, टू बैलेंस या फिर बैलेंस हाफ इक्वेशन, बैलेंस हाफ इक्वेशन या फिर टू हाफ इक्वेशन। अब यहां पर दो हाफ इक्वेशन को हम बैलेंस कैसा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सब टॉपिक है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दो हाफ इक्वेशन को आपको इस तरह बैलेंस करना है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम को बैलेंस करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम को यहां पर बैलेंस करना है, ठीक है। सेकंड है इसमें बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द साइड विथ लेस ऑक्सीजन एटम। देखो सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं हम, क्या ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते और उस साइड में एडिशन करना जहां पर ऑक्सीजन एटम का डेफिशिएंसी हो। समझ लो क्या, इधर एक तरफ है ऑक्सीजन एटम तीन और एक तरफ है चार, तो यहां पर हम एक H2 ऐड करेंगे, इस तरह चार ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन टू द साइड विथ लेस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयन का एडिशन करते हैं, याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो थ्योरी है, जब मैं एप्लीकेशन बेस लूंगा तब आपको ये 100% बहुत बेस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चार रूल हो गए, ये पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। और रूल नंबर 5, मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन बाय सूटेबल फैक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन बाय सूटेबल फैक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन बाय सूटेबल फैक्टर्स टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए एक सूटेबल फैक्टर का, सूटेबल फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। देन एड टू हाफ इक्वेशन एंड कैंसल द इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में आपने ये करना है कि दो हाफ इक्वेशन को कंबाइन करना, ठीक है, और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन को कैंसल करना, ठीक है ना। और रूल नंबर लास्ट ये है, क्या इन बेसिक मीडियम एज मैनी OH आयंस ऑन बोथ साइड एट एच पॉजिटिव आयन इन वन साइड। अगर इक्वेशन बेसिक मीडियम में हो या फिर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो तो जितने एच पॉजिटिव आयन है उतने OH नेगेटिव आयन को दोनों साइड में ऐड करना है, ठीक है। तो पॉज करके आप ये नोट कर लो, ये रूल्स अच्छे से पढ़ लो और विद एग्जांपल आपको बहुत बेस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्वेश्चन लेते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो Mn डाई पॉजिटिव प्लस ClO3 नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 प्लस ClO2, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों आप, क्या रूल नंबर 1, ठीक है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। अब यहां पर ये इक्वेशन तो ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड रूल ये था कि इसमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना था कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से एलिमेंट का रिडक्शन होगा। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते। देखो आप, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 से बच्चों ये पहुंचा +4 पर, मींस यहां पर हुआ इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +5 है, +5 से ये पहुंचा +4 पर, यहां पर हुआ इसका रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने दो रूल फॉलो कर लिए। रूल नंबर 3 ये है कि यहां पर दोनों हाफ इक्वेशन को सेपरेट करना है ना, डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा और ये रिडक्शन हाफ, तो यहां लिख दिया मैंने OH ऑक्सीडेशन हाफ और इधर रहेगा RH रिडक्शन हाफ। ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है। Mn डाई पॉजिटिव इंप्लाइज MnO2 और इधर है ClO3 नेगेटिव इंप्लाइज, ठीक है, ClO3 नेगेटिव इंप्लाइज क्या है ClO2, ठीक है, हो गया बैलेंस। बैलेंस ऑल एटम, ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम को बैलेंस करना है। Mn Mn बैलेंस, Cl Cl बैलेंस है, ठीक है ना। अब यहां पर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इधर कितना ऑक्सीजन है बच्चों, 2, इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। रूल आप अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना है, 4,
तो 4H पॉजिटिव, ये बैलेंस हो गया बैलेंस। इसके बाद में हमारे को बैलेंस करना है चार्ज, यहां पर चार्ज कितना है प्लस टू और इधर कितना है प्लस फोर। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन लिख लो, दो इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठीक है ना। Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और चार्ज कितना माइनस टू प्लस फोर, कितना प्लस टू और इधर प्लस टू बैलेंस। इधर चेक कर लो ClO3 नेगेटिव, इसका कन्वर्शन क्या में हुआ ClO2 में, ठीक है, मींस यहां पर क्या हुआ इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। कितने Cl इसमें, एक बैलेंस ऑक्सीजन तीन है, यहां पर दो, मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता H2O, ठीक है, और इधर ट्वाइस H पॉजिटिव, ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर हमारे को चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है ना, Cl बैलेंस, ऑक्सीजन तीन बैलेंस, हाइड्रोजन दो बैलेंस, चार्ज कितना हो गया प्लस टू है ना और ये माइनस वन, तो यहां पर प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज बैलेंस हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक सूटेबल फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर इक्वल हो जाए, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, तो एक काम करते हैं हम ये पूरी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर इक्वल हो जाएंगे, चेक कर लो, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड वाला इधर लिख देंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल एटम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लो Mn डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4H पॉजिटिव, दो से मल्टीप्लाई करने पर प्लस ट्वाइस Cl O3 नेगेटिव, ये पूरी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है, और इसको वन से इसको इजीली से रहने देते हैं, ठीक है। ट्वाइस Cl O3 नेगेटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। अब राइट साइड में देख लो आप क्या है यहां पर, Mn O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस Cl O2, प्लस ट्वाइस H2O। अब इस इक्वेशन में क्या क्या कैंसिल होता है वो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते, हो गया इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहां पर H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर नहीं बच्चों, ठीक है। अब देख लो एम एन डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस सी एल ओ थ्री निगेटिव इम्प्लाइज, ठीक है, ट्वाइस सी एल ओ थ्री निगेटिव इम्प्लाइज, चलो ये तो हो गया। एम एन ओ टू प्लस ट्वाइस सी एल ओ टू, और कुछ रिमेन रहा क्या, नहीं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एटम को देख लेते, बैलेंस है क्या, एम एन बैलेंस है, Cl2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने छह बैलेंस, चार्ज बैलेंस ठीक है, ये होगा प्लस टू और ये है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी बैलेंस होगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है, और इस इक्वेशन को काय में बैलेंस करने का था, एसिडिक मीडियम में, ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बता दें मैं आपको कि ये एसिड मीडियम में बैलेंस करने का था, इसलिए मैंने एच पॉजिटिव आयन का एडिशन किया था, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम रहता तो दोनों साइड में ओ एच निगेटिव ओ एच निगेटिव हम एड कर देते, ठीक है। तो समझ में आ गया आपकी इक्वेशन, ये है इसका बैलेंस इक्वेशन, Mn डाय पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl O3 नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 प्लस ट्वाइस Cl O2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसको बैलेंस करना है आपको बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम, ठीक है ना, बी आई ओ एच बाई थ्री प्लस एस एन ओ टू डाई निगेटिव इंप्लाइज एस एन ओ थ्री डाई निगेटिव प्लस बी आई, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहां पर ओ एच है मतलब ये बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल आयनिक फॉर्म में है ये और अनबैलेंस है, यहां पर इक्वेशन में बैलेंस नहीं है,
ठीक है। अब चेक कर लो आप यहाँ पर क्या बी आएगा ऑक्सीडेशन से, तीन ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, छह, छह में से तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट किया और तीन इलेक्ट्रॉन बिस्मत इसको डोनेट करेगा, मींस बिस्मत का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री और प्लस थ्री से यह ट्रांसफर हुआ जीरो पर। तो सीधी बात है यहां पर कि यहां क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। SnO2 डाई निगेटिव, दो ऑक्सीजन के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए था और दो निगेटिव चार्ज है इस पर, मतलब दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको Sn डोनेट कर देगा प्लस टू, ठीक है। प्लस टू से ट्रांसफर कहां पर हो देख लो आप, तीन ऑक्सीजन के लिए छह इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो निगेटिव चार्ज आ गए इस पर, चार चाहिए मीन्स प्लस फोर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, यहां पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब यहां पर दोनों इक्वेशन को सेपरेट करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली को, तो ऑक्सीडेशन हाफ और यहां रहेगा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ देख मैं कैसा बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान से देखना आपने। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन किसका किया मैंने, इसका। SnO2 डाई निगेटिव इंप्लाइज SnO3 डाई निगेटिव, हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। और यह है रिडक्शन हाफ, BiOH बाई थ्री, ठीक है, इंप्लाइज Bi, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये लिख दिया हमने हाफ इक्वेशन, इसमें बैलेंस करना है ऑल बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर भी बैलेंस है और Bi वहां पर भी बैलेंस है। इसकी बात की स्टेप में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं दो है और यहां पर तीन है, तो मैं एक काम करता यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक। इधर देख लो आप ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, तीन वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। नेक्स्ट है यहां पर क्या, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करने, कितने एच हो गए दो, तो ट्वाइस एच ये बैलेंस हो गए, ठीक है। इधर देख लो आप ये बैलेंस है कि SN बैलेंस, ऑक्सीजन कितने तीन बैलेंस, हाइड्रोजन दो, ये बैलेंस, ठीक है। यहां पर एक Bi बैलेंस, ऑक्सीजन कितने तीन बैलेंस, हाइड्रोजन कितने छह, यहां पर तीन ही है तो थ्राइस एच पॉजिटिव ऐड किया मैंने, थ्राइस एच पॉजिटिव किया, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे को चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज चेक कर लो आप, इधर कितना है H2O प्लस SnO2 डाई निगेटिव, ठीक है बच्चों। इसके बाद में SnO3 डाई निगेटिव और ट्वाइस एच पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे ध्यान से देख लो आप, ठीक है। इधर कितना है थ्राइस एच पॉजिटिव, ठीक है, थ्राइस एच पॉजिटिव, तो यहां पर मैं तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, क्या ऐड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो कितने का डिफरेंस आया था इसमें, दो का, प्लस टू से प्लस फोर पर, ठीक है। यहां पर है ट्वाइस एच पॉजिटिव ये, और ये क्या है एस एन, ठीक है ना, एस एन ओ टू डाई निगेटिव। तो एक काम करते हैं इधर टू इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर हो गए चार्ज बैलेंस, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस टू माइनस टू एज इट इज, ठीक है ना। अब यहां तक की कुछ डाउट है क्या आपको, नहीं, देखो यहां पर एस एन बैलेंस, ऑक्सीजन तीन बैलेंस, हाइड्रोजन दो बैलेंस, ठीक है ना, और यहां पर माइनस टू ये हो जाएगा बैलेंस अभी आगे करता हुआ, और यहां पर थ्राइस एच पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, वो दोनों इक्वल लाने के लिए इसको, इस इक्वेशन को मैं तीन से मल्टीप्लाई कर देता और ये पूरी इक्वेशन को मैं दो से मल्टीप्लाई करता, एक बार ट्राई करके देखते हैं, देख लो इस इक्वेशन को तीन से, थ्राइस एच टू ओ प्लस थ्राइस एस एन ओ टू डाई निगेटिव, ठीक है ना, इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करने का, प्लस ट्वाइस बी आई ओ एच बाय थ्री प्लस सिक्स एच पॉजिटिव प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज, है ना, सिक्स इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज, ठीक है। हाँ, यहां पर तीन से मल्टीप्लाई किस, थ्राइस एस एन ओ थ्री डाई निगेटिव प्लस सिक्स एच पॉजिटिव प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस इसको दो से मल्टीप्लाई की, ट्वाइस बी आई प्लस सिक्स एच टू ओ, ठीक है। चेक करते हैं इसमें से क्या क्या कैंसल होता, बाद में हम पूरे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं,
6H positive, 6H positive, चलो ये कैंसल हो गया, ठीक है। इसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन ये मैंने कैंसल कर दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यहां पर थ्राइस H2O और इधर 6H2O, मींस यहां पर क्या बचा, 3H2O। देखो आप, थ्राइस SnO2 डाई नेगेटिव प्लस ट्वाइस BiOH बाय 3, ठीक है, इंप्लाइज क्या है इसमें, थ्राइस SnO3 डाई नेगेटिव प्लस ट्वाइस Bi प्लस थ्राइस H2, क्या रहेगा, प्लस थ्राइस H2। चेक कर लो आप इक्वेशन बैलेंस है क्या, 3 SN बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में 2 Bi बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 6 12, 9 और 3 12 बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने, 6 और 6 ये 12 बैलेंस। चार्ज कितना है, यहां पर आ रहा -6 और ये भी कितना आ रहा, -6, मीन्स ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या, यहां पर ऑलरेडी BiOH बाई 3 दिया होता है, इसलिए OH नेगेटिव आयन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव। नेक्स्ट है Cr+3 प्लस Fe+3, ये क्वेश्चन है और इसको बैलेंस करना है हमारे को एसिडिक मीडियम में। Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 6 प्लस Fe डाई पॉजिटिव इंप्लाइज है ना Cr+3 प्लस है ना Fe+3। तो यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, +6, ये ट्रांसफर कहां पर हो रहा, +3 में है ना, आइडेंटिफाई करना था एलिमेंट को। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +2 से ट्रांसफर हुआ +3 में, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ और इधर लिखेंगे रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Fe का, Fe+2 से कन्वर्शन हुआ इसका Fe+3 में। और यहां पर Cr2O7 डाई नेगेटिव का कन्वर्शन हुआ Cr+3। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं Cr को, ठीक है ना, मीन्स सारे एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम हैं उन सारे एटम को बैलेंस करना है। Fe बैलेंस हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, चार्ज का। एक काम करते ना, इधर 1 इलेक्ट्रॉन एड कर देते, हो गया चार्ज बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं था यहाँ पर, चार्ज बैलेंस करना था, बैलेंस कर दिया हमने। इधर चेक कर लो आप, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, Cr कितने हैं, 2, ये बैलेंस किया हमने। ऑक्सीजन कितने, 7, मीन्स 7H2O, तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन हो गए प्लस 14H पॉजिटिव आए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करना है, इधर चार्ज कितना है, +6, कितने है, +6। और इधर चार्ज चेक कर लो आप, यहां कितना हो गया, +14 -2, कितना +2। तो एक काम करते, 6 इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड कर देता, ठीक है ना, ये कितना जाएगा, -8 और +14, कितना बचे बच्चों, +6, चार्ज बैलेंस। अभी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, तो मैं एक काम करते इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहने देते। तो देखो आप, 6Fe डाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज, ठीक है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के Fe+3, 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O। क्या क्या कैंसिल होता है ध्यान से देख लो आप, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल कर दिया, और कुछ कैंसिल हो सकते हैं इसमें,
नहीं, ठीक है ना। चार्ज देखो प्लस 12 और ये प्लस 12 में से 10 दो चलेगा कितना प्लस 10 और ये 24, यहां पर 18 और 6 24 है वैलेंस। देख लो 6Fe डाई पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव इंप्लाइज 6Fe प्लस 3 प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। तो यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। चार्ज देखो आप, चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर 24 है ना, 14 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 26 और दो माइनस कर दो 24, यहाँ पर 6 और 18 24 है ना, 18 24 24, ठीक है, हो गया बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस हुआ, मीन्स इस इक्वेशन को इस तरह बैलेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस आई नेगेटिव इम्प्लाइज Cr प्लस 3 IO3 नेगेटिव। आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी ये इक्वेशन है, आयनिक फॉर्म तैयार करने की जरूरत नहीं। यहां पर देखो आप Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 6 और प्लस 6 से ट्रांसफर हुआ प्लस 3 में, मीन्स यहां पर हुआ इसका रिडक्शन, और आई का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 आयोडीन का, -1 से ट्रांसफर हुआ प्लस 5 पे, क्योंकि IO3 नेगेटिव है, तीन ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इस पर था, इसलिए आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर आयोडीन का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को सेपरेट करना है ना, ऑक्सीडेशन हाफ और यहां पर रहेगा रिडक्शन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कौन सी रहेगी, आई नेगेटिव इंप्लाइज IO3 नेगेटिव, ठीक है, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन है Cr2O7 डाई नेगेटिव इंप्लाइज Cr प्लस 3। एक काम करते हैं हम, एक्सेप्ट ऑल अदर एटम, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस ऑल अदर एटम, सारे एटम के अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम को बैलेंस करना था, यहां पर बैलेंस किया हमने Cr और इधर आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेगा, इसके बाद में है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, यहां पर तीन ऑक्सीजन है तो मैंने तीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, मींस ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितने हो यहां पर 6, 6H पॉजिटिव, ठीक है ना, क्या हो गया यहां पर 6H पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। इधर चार्ज कितना आ जा रहा है प्लस 5 है ना, ये चार्ज आने के बाद में, ठीक है, प्लस 5 और है ना प्लस 6 ये -1 प्लस 5 और इधर कितना है -1। तो एक काम करते हैं प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, ठीक है, ये भी बाद में बताता आपको। देखो चलिए होगा बैलेंस, इधर Cr कितने थे 2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 7 प्लस 7H2O बैलेंस, और यहां पर लिखे हमने 14 हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है और इधर भी चार्ज बैलेंस करना है। इधर चार्ज चेक कर लो आप, इधर चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज है बच्चों यहां पर 14 माइनस 2 कितना है 12, इधर है 6, इधर 6 चाहिए है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14 हो गया बैलेंस। हाँ अब यहां पर चार्ज कितना चेक कर लो आप, आयोडीन कितना है आई नेगेटिव IO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं हम, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे ध्यान से देख लो आप, यहां पर करते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस, ठीक है ना, 6 पॉजिटिव और ये बैलेंस, उसके बाद में ये बैलेंस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट इज रहने देते इसको, ठीक है ना। देख लो आप, आई नेगेटिव प्लस 3 मोल ऑफ वाटर प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज 6 इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पर प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल कर दिया, यहां पर
8H पॉजिटिव बच्चे बच्चों कैंसर होने पर, और कुछ कैंसर हो रहे यहां पर नहीं होगा कैंसर, है ना। चार्ज बैलेंस कर रहा है, ये कितना है प्लस 8 और ये माइनस 3 प्लस 5 प्लस 5 बिल्कुल बैलेंस है। चेक कर लो आप, आई नेगेटिव प्लस 3 मोल ऑफ H2O प्लस 8H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव इंप्लाइज 2R ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 मोल ऑफ H2O प्लस IO3 नेगेटिव। हाँ, आयोडीन बिल्कुल बैलेंस है, Cr बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने इसमें 3 और 7 10, ये 7 और 3 10 ये भी बैलेंस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक कर लो आप, हाइड्रोजन कितने यहां पर 6 प्लस 8 14 ये 14 बैलेंस। चार्ज कितने यहां पर, ये है प्लस 6 माइनस 1 कितना बचे यहां पर प्लस 5 बचा बच्चे, और इधर भी चेक कर लो कितना आ रहा चार्ज इसमें प्लस 8 माइनस 3 कितना प्लस 5 मींस ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है। ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 7 और प्लस 7 से ये पहुंचा प्लस 4 पर, है ना। यहां पर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस 1, माइनस में से पहुंचा प्लस 5 पर। सिंपल सी बात है, यहां इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन, ठीक है ना। इसका हुआ Br का हुआ ऑक्सीडेशन और Mn का हुआ रिडक्शन, ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन को कैसा बैलेंस करना है। पहले एक काम करता मैं, ऑक्सीडेशन हाफ लिख देता रिएक्शन और यहां पर लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन वाला कौन सा है, ये है Br नेगेटिव इंप्लाइज BrO3 नेगेटिव, समझ में आ गया। Br नेगेटिव इंप्लाइज BrO3 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है 3, तो मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता, कितने 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर चेक कर लो आप, रिडक्शन हाफ में आपको क्या करना है, MnO4 नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 कितने ऑप्शन है यहां पर 4, इधर 2 है तो ट्वाइस H2O ये बैलेंस कर दिया, हो गया बैलेंस और ये भी बैलेंस, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, H कितने होगा 4, तो 4H पॉजिटिव, इधर कितने हाइड्रोजन होगा 6, 6H पॉजिटिव। यहां तक कुछ डाउट है क्या आपको। अब देखो चार, देखो Br बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस, यहां पर Mn बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ठीक है। लेकिन इधर चार चेक कर लेते हैं, इधर माइनस 1 है, इधर माइनस 1 है, प्लस 6, तो एक काम करते यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन कर देते, ठीक है ना। और इधर देख लो आप, यहां पर कितना है प्लस 4 और ये माइनस 1 कितना हो गया प्लस 3, है ना, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन को मैं एक काम करता 2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देख लो आप, Br नेगेटिव प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, है ना, MnO4 लेकिन ट्वाइस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है, प्लस BrO3 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन,
क्या क्या कैंसिल होता है आप चेक कर लें इसमें से, छह इलेक्ट्रॉन ही चले गए, 8H पॉजिटिव, 6H पॉजिटिव, यहां पर बचा ट्वाइस एच पॉजिटिव, ये बाकी रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर तीन चले गए, यहां पर चार थे, एक बचा, ठीक है ना। देखो आप, Br नेगेटिव प्लस ट्वाइस एच पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव इंप्लाइज ट्वाइस MnO2 प्लस H2O प्लस Br O3 नेगेटिव, ठीक है। चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस है क्या, ठीक है। देख लो Br बैलेंस, Mn कितने हैं, दो, ये बैलेंस ही हमने। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने, आठ, ये कितने, चार, पांच और तीन, आठ बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, दो बैलेंस। चार्ज बैलेंस है, चार्ज कितना रहा है पर -1 और यहां पर +2 -2 होगा, 0 -1 बराबर है -1, इधर भी चार्ज -1। पॉज करके लिख लो जब तक कि मैं ही डाल देता। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव MnO2 प्लस I2, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख लो पॉज करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 प्लस I2, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ध्यान से देखो आप, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इंप्लाइज MnO2 प्लस I2। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, +7 से ट्रांसफर हुआ +4 में, सिंपल बात है, यहां हो गया इसका रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था -1, -1 से ट्रांसफर हुआ 0 में, मीन्स यहां हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को लिखना है, यहां पर एक है ऑक्सीडेशन हाफ और एक क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, आयोडीन का, आई नेगेटिव का कन्वर्शन कैसे हुआ, I2 में, ठीक है। इधर ट्वाइस लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर चेक कर लो आप, हाँ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था और रिडक्शन किसका हुआ, MnO4 नेगेटिव इंप्लाइज MnO2, है ना। कितना ऑप्शन है इसमें, दो, तो ट्वाइस H2O प्लस 4H पॉजिटिव हो गया बैलेंस। देखो I बैलेंस, Mn बैलेंस, सारे एटम को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। इसके बाद में बैलेंस करना है हमारे को ऑक्सीजन, यहां तो ऑक्सीजन नहीं है, इधर चेक कर लो कितने, चार, दो दो चार बैलेंस, H बैलेंस बिल्कुल बैलेंस, ठीक है ना। इसके बाद में बैलेंस करना है हमारे को चार्ज, ठीक है, यहां पर कितना है -2, है ना, तो +2 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं यहां पर, ऑक्सीडेशन है इसके। यहां पर चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4H पॉजिटिव और Mn कितना बचे यहां पर, 3, तो +3 इलेक्ट्रॉन। एक काम करते, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हो जाते। देख लो आप, 6 आई नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस 8H पॉजिटिव बराबर, प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का था, थ्राइस I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चला गया और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं। हाँ, चार्ज बैलेंसिंग हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये -6 और ये -2, -8 +8 बिल्कुल बैलेंस हो गए, चार्ज भी चले गए। 6I नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव इंप्लाइज थ्राइस I2 प्लस
twice Mn O2 plus 4 mole of H2O. तो Mn बैलेंस, दो बिल्कुल बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं 8, 4 4 8 बैलेंस है ना, I 6 बैलेंस, उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर 8 हाइड्रोजन बैलेंस, चार बैलेंस है क्या, बिल्कुल, ये कितना हो गया माइनस 6 प्लस 8 और ये माइनस 2 है बैलेंस, बिल्कुल ये भी बैलेंस है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा बैलेंस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है बच्चों, SO3 डाई नेगेटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव इंप्लाइज SO4 डाई नेगेटिव प्लस Cr प्लस 3, क्या रहेगा प्लस Cr प्लस 3, यह है आयनिक इक्वेशन। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, देखो तीन ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज वाले आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये कितने 4, तो सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 4 और प्लस 4 से ट्रांसफर हुआ कहां पर प्लस 6 पर, है ना, क्योंकि चार ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, और दो नेगेटिव चार्ज थे इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 रहेगा। Cr का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 6 और प्लस 6 से ट्रांसफर हुआ कहां पर प्लस 3 पर, ठीक है। अब यहां पर लिखना है हमारे को ऑक्सीडेशन हाफ और इधर लिखना है रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। देखो आप यहां पर है SO3 डाई नेगेटिव इंप्लाइज SO4 डाई नेगेटिव, कितने ऑक्सीजन यहां पर 3, यहां पर 4, तो मैं एक काम करता एक H2O इधर ऐड कर देता, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, समझ में आ गए, चार ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितने इसमें 2, ट्वाइस H पॉजिटिव, ये बैलेंस कर दिए। इधर देख लो आप Cr2O7 डाई नेगेटिव इंप्लाइज Cr प्लस 3, ये ट्वाइस, दो Cr बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 7, 7 H2O 7 ऑक्सीजन बैलेंस प्लस 14 H पॉजिटिव आयन, ये बैलेंस 14 H पॉजिटिव आयन। अब इसके बाद देखो आपको क्या क्या बैलेंस करना है, बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना, सल्फर बैलेंस यहां पर Cr बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 7, 7 इधर बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 14 बैलेंस, इधर दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन, ये बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 4, 4 8 ये बैलेंस, ठीक है, 4 इधर 4 इधर। अब चार्ज बैलेंस करना है, ये कितना हो गया, कितना हो बचे, एक काम करते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये एच पॉजिटिव चले गए, इक्वल हो गए चार्ज। इधर चेक कर लो इधर कितना है प्लस 6 और यहां पर कितना है, ये है 14 माइनस 2 कितना बचा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कितना माइनस 8 प्लस 14 कितना प्लस 6 और प्लस 6 ये बैलेंस, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इक्वल लाने के लिए पूरे इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, देखो 3 H2O प्लस 3 मोल ऑफ SO3 डाई नेगेटिव, है ना, उसके बाद में प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है थ्राइस SO4 डाई नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव, है ना, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर क्या बचा प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 मोल ऑफ H2O, क्या क्या कैंसिल होता है हम देख लेते इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल, H पॉजिटिव चलेगा, यहां पर 8 H पॉजिटिव बचा, कितना है 7 H2O और ये है 3 H2O, तो यहां पर 4 H2O बचा। अभी मैं पूरे इक्वेशन कैसे लिख रहा ध्यान से देख लो आप, 3 मोल ऑफ SO3 डाई नेगेटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव इंप्लाइज 3 मोल ऑफ SO4 डाई नेगेटिव प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3, ठीक है ना, प्लस हाँ प्लस कितने है 4 H2O, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं यहां पर ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है क्या नहीं है, S3 बिल्कुल बैलेंस है, Cr कितने 2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने थे 7 और 9 16 12 4 16 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 8 ये बैलेंस, चार्ज बैलेंस है क्या चेक कर लो आप, कितना माइनस 6 माइनस कितना माइनस 8 प्लस 8 0 और यहां पर ये
प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये होगा जीरो, और ये लिख लो आप माइनस सिक्स माइनस टू प्लस एट ये होगा जीरो, मीन्स ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस हो गया, ठीक है ना।